स्वामी दयानंद सरस्वती एक हिंदू धार्मिक नेता और समाज सुधारक थे जो 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में रहते थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1824 को भारत के वर्तमान गुजरात में एक छोटे से शहर टंकारा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था और उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि वेदों में शाश्वत सत्य समाहित है जो मानवता के आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की जो एक हिंदू सुधारक आंदोलन था जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म को भ्रष्ट और अंधविश्वासी प्रथाओं के रूप में देखना था। उन्होंने एकेश्वरवाद के महत्व, मूर्ति पूजा की अस्वीकृति और वेदों के अध्ययन के माध्यम से ज्ञान की खोज पर जोर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के भी प्रबल पक्षधर थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और महिलाओं की शिक्षा का वकालत किया। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा सामाजिक और आर्थिक प्रगति की कुंजी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का 30 अक्टूबर 1883 को 59 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हालांकि उनकी शिक्षाएं और विरासत आज भी हिंदू धर्म और भारतीय समाज को प्रभावित